न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। हरियाणा सरकार के पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होने के दावे उस वक्त धरे के धरे रह गए जब ऑक्सीजन की कमी के चलते रेवाड़ी के निजी अस्पताल में 4 कोरोना संक्रमितों ने एक साथ दम तोड़ दिया। गनीमत यह रही कि आधे घंटे के बाद ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर एक गाड़ी अस्पताल पहुंची। इस गाड़ी में करीब 20 ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल में लाए गए। इसे लेकर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अस्पताल को जो सिलेंडर मिले हैं उनमें अस्पताल की एक घंटे की ही पूर्ति हो पाएगी। इस अस्पताल में 100 से अधिक मरीज भर्ती हैं। अस्पताल संचालक का कहना है कि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को ऑक्सीजन की कमी की सूचना दी जा रही थी, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया और अधिकांश मरीजों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। ये तस्वीरें रेवाड़ी के निजी अस्पताल के बाहर की हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस कदर यहां हुई मौत के बाद लोगों में हंगामा और अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखा जा रहा है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। मेरी लड़की इसमें एडमिट है, झटपट आ रही है, उसके इलाज के लिए कह रहे कहीं भी ले जाओ, ये कोई मतलब है? पैसे पूरे ले रहे पर उसके पास हॉस्पिटल जो है ना सरकार पूरा धोखा कर रही है गरीबों के लिए। आज 100 लाख रुपए लग गए, 6 दिन से एडमिट है, उसका इलाज नहीं हो रहा, ना तो उसको वैक्सीन टीके मिल रही है। वैक्सीन टीके गए तो कहाँ गए देश के, और नहीं उसको ऑक्सीजन मिल रही है। और वो जो है ना नाड़ी मुड़ी में सटपट सांस नहीं, जीरो पर चल रही है। अब वो बचेगी तो कहाँ बचेगी, वो खत्म होने पर है बस। मैं परेशान हूँ जी, एक ही लड़की थी। लापरवाही है, लापरवाही जी, सरकार की पूरी लापरवाही है और ब्लैक मारी चल रही है इसकी। अब बताओ क्या करे, करे तो क्या करे, कहाँ ले जाए, जहाँ जाए जिस हॉस्पिटल में जाएंगे उसी में कह रहे कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो बताओ क्या ले जाओ, तो 2-4 मिनट के लिए है। मैं परेशान हूँ, मेरे खुद उससे पहले प्राण मेरा निकलने को है, एक बच्ची है बस। ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने के कारण 3 जो डेथ है हमारी आईसीयू में हो चुकी है और एक वार्ड के अंदर 4 मरीज हमारे मर चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। अभी जो ऑक्सीजन आई कितने समय की है सर? लगभग सर पौने घंटे चलेगा सर। पौने घंटे के बाद सर मतलब कोई बैकअप नहीं है। प्रशासन को बार बार फोन किया जा रहा है और सर हमने ये जो खाली सिलेंडर है लोड करवा के दोबारा हम वही वेंडर के पास भिजवा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी परिजनों ने जाम भी लगाया है सर, अभी जाम भी लगाया मरीज के परिजनों ने। सर परिजन बहुत परेशान है सर, जीवन सर परेशान है, बार बार सारी सीएमओ की गुंडागर्दी है, प्रशासन की गुंडागर्दी है सर। सुबह 9 बजे से निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि ऑक्सीजन भेज दीजिए, हमारे पास एक घंटे का स्टॉक है सर। मैं इवन जब मेरे पास 10 मिनट का स्टॉक था, 5 मिनट का सर, हर बार मैंने फोन करके बोला है सर मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का स्टॉक रह रहा है सर। उसका उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया, जब तक सीएमओ परमिशन नहीं देंगे जब तक हम आपको सप्लाई नहीं देंगे। सीएमओ साहब का पूछा गया, पता किया गया, सीएमओ साहब मीटिंग में सुबह से चल रहे हैं। आप भी गए थे मीटिंग में? मैं भी गया सर मीटिंग में गया था, लेकिन मीटिंग में यही कहा था कि जब तक सीएमओ सर परमिशन नहीं देंगे हम आपको एक भी सिलेंडर की परमिशन नहीं देंगे, सप्लाई नहीं करेंगे। अब क्या मांग करते हैं आप? सर हम ये मांग करते हैं सर, हमारी जो अभी फिलहाल जो सिचुएशन सर इतनी बुरी वर्ष सिचुएशन है कि कम से कम सर 300 सिलेंडर की पर डे इंजेक्शन है सर हमारी। जो कितने पेशेंट है अभी आपके यहाँ? सर पेशेंट 114 पेशेंट सर मेरे पास एडमिट है। पूरे शहर के अंदर सबसे ज्यादा कोविड पेशेंट मेरे पास सर एडमिट है, 114 पेशेंट सर।